खरगोन बड़वानी के मध्य बसा जुलवानिया गांव कौमी एकता की मिसाल पेश करता है। विगत 44 वर्षों से यहां हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर हजरत अब्दुल करीम शाह बाबा का उर्स मनाते हैं तो दरगाह पर यहां आयोजन किया जाता है। शनिवार को 3 दिवसीय उर्स का आयोजन किया जाएगा जिसमें 1 दिसंबर को चादर पेश की जाएगी, 2 तारीख को कब्बाली का प्रोग्राम होगा और 3 तारीख को रंगे महफिल का आयोजन होगा। इस दौरान हिंदू और मुसलमान एक साथ दिखाई देंगे। दूर दराज से लोग यहाँ हिंदू मुसलमान की एकता दूर दराज से लोग आते हैं। 1 तारीख को यहाँ चादर शरीफ पेश की जाती है और लंगर होता है। 2 तारीख को रात में कव्वाली का प्रोग्राम होता है जिससे चारों प्रांत से लोग आते हैं और 3 तारीख को समापन होता है जो रंगे महफिल होती है। ये प्रोग्राम है, उसकी तैयारी में अब सारे पूरे लगे हैं। गाँव के हिंदू मुसलमान जितने भी लोग हैं सब लगे हैं और मेरी कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी बच्चे हैं, बड़े ज़ोरों से इस प्रोग्राम को कामयाब करने में लगे हैं। 2 तारीख को प्रदेश गृह मंत्री भी आने की सूचना। 2 तारीख को प्रदेश गृह मंत्री श्री बाला बच्चन जी आ रहे हैं, वो शाम को चादर पेश करेंगे और महफिल में शिरकत फरमाएंगे। क्या करीम बाबा की एक वो है यहाँ पर लोग करीम बाबा की बहुत सी खासियत है। इनके दूर दराज तक बहुत चर्चे चल रहे हैं, दूर दराज से लोग आते हैं मन्नत लेके। कहीं कहीं ऐसे करिश्मे होते हैं कि करीम शाह बाबा उनको वहाँ रूबरू आकर बोलते हैं कि फलाने फलाने जुलवाने में जाओ, वहाँ करीम बाबा की दरगाह, वहाँ पर आपकी मन्नतें पूरी होगी। तो कुछ लोग आकर यहाँ देखते हैं और देखते हैं पता चलता है कि यार यहाँ तो करीम बाबा का मिसाल हुए को 44 साल हो गए। ऐसी कई मिसालें हैं, बाबा यहाँ पर बागदेव में पाँव में डालकर मच्छी खिलाया करते थे और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बाबा पंजाब प्रांत से आए हुए हैं, जहाँ पर इनका कुटिया में रहते थे, बस यही उनकी खासियत है। छड़ी मुबारक से मारकर सब लोगों की दुख तकलीफों को दूर करते थे। बाबा पान और चाय के बड़े शौकीन थे।